हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मींस वोलेटाइल ऑयल को किस तरीके से डिफरेंट प्लांट मटेरियल के स्पेसिफिक पार्ट से किस तरीके से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, मींस अलग किया जाता है उस स्पेसिफिक प्लांट पार्ट से, क्या क्या जनरल मेथड यूटिलाइज किया जाता है, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वोलेटाइल ऑयल होता क्या है। वोलेटाइल ऑयल बहुत से प्लांट्स और प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स में ये वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, और इसी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से उस प्लांट या प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट से क्या आता है, ऑडर आता है। मीन्स बहुत से प्लांट प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में जो खुशबू होती है, जो एरोमा होता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वोलेटाइल ऑयल। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि रोज पेटल हो गया, तो रोज के पेटल में रोज ऑयल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसकी खुशबू होती है। यूकेलिप्टस लीव्स हो गए, नीलगिरी की लीफ हो गए, तो उसमें जो स्पेसिफिक जो एरोमा आता है, जो ऑडर आता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूकेलिप्टस ऑयल। वैसे अदर एग्जांपल जैसे कि मेंथा, मींस पुदीने की जो पत्ती होती है, उसमें जो स्पेसिफिक जो ऑडर आता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है, ये वोलेटाइल ऑयल को उस स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट से किस तरीके से, मींस जिस पार्ट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, उस पार्ट से किस तरीके से इस ऑयल को क्या करते हैं, इस ऑयल को अलग किया जाता है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल है, ये वोलेटाइल ऑयल का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये वोलेटाइल नेचर का होता है। मींस ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही, रूम टेम्परेचर में, या कह सकते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ही ये इवेपोरेट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब इसको एक्सपोज कर दिया जाए। मतलब कि इस वोलेटाइल ऑयल को जब हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर में अगर खुला रख देते हैं, तो ये वोलेटाइल ऑयल क्या हो जाता है, कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है। इसी कारण से इस टाइप के ऑयल को हम वोलेटाइल ऑयल बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जिसमें स्पेसिफिक एरोमा होती है, स्पेसिफिक खुशबू होती है। तो ये जो वोलेटाइल ऑयल है, इस वोलेटाइल ऑयल को हम किस किस मेथड से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, उस प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट जिसमें से वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जो जनरल मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड से जिससे हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सबसे पहला मेथड है एक्सट्रैक्शन बाय द डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। यूजुअली क्या किया जाता है, वोलेटाइल ऑयल जो कि जिस प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो उसको हमको अगर आइसोलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग किया जाता है उस स्पेसिफिक पार्ट से। अदर मेथड्स भी होते हैं, अदर मेथड्स जैसे कि इनफ्लूरेज मेथड, यूसिल मेथड, ये मॉडर्न मेथड जैसे सुपरक्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन मेथड, ये सब भी वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए, या कह सकते हैं अलग करने के लिए यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स वोलेटाइल ऑयल के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस केमिकल के नेचर के अकॉर्डिंग, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है हम मेथड को क्या करते हैं, उस मेथड को यूज किया जाता है। तो जनरली जो डिस्टिलेशन मेथड जो यूज करते हैं वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए, उन वोलेटाइल ऑयल जिनके जो केमिकल, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उस ऑयल में, वो हीट सेंसिटिव नहीं होता है। ये डिस्टिलेशन मेथड हम उन वोलेटाइल ऑयल्स को यूज करने के लिए करते हैं, अलग करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हीट अप्लाई करने पे डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे वोलेटाइल ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, आइसोलेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो डिस्टिलेशन होता क्या है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर कोई भी अगर लिक्विड है जो कि वोलेटाइल नेचर का होता है, उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, कह सकते हैं बॉयल करते हैं, तो वो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। और ये जो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस वेपर को क्या किया जाता है, उस वेपर को अगेन क्या करते हैं, ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मींस इस लिक्विड को बॉयल करने पे या गर्म करने पे कन्वर्ट होता है ये वेपर में, और इस वेपर को, इस भाप को फिर से क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद ये वेपर अगेन कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो ये ही होता है डिस्टिलेशन। तो अगर हम वोलेटाइल ऑयल की बात करें, तो वोलेटाइल ऑयल जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोव हो गया तो क्लोव के फ्लावर बड में प्रेजेंट होता है, फेनल हो गया तो फेनल फ्रूट होता है, तो फ्रूट में प्रेजेंट होता है फेनल प्लांट के। तो उस स्पेसिफिक पार्ट में जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है,
तो क्या करते हैं, उसको बॉइल किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर का जो वोलेटाइल ऑयल है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और उस वेपर को अलग जगह क्या किया जाता है, उसको कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद ये जो वोलेटाइल ऑयल का जो वेपर है वो ठंडा होता है तो क्या बनता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में जो कि क्या है, वोलेटाइल ऑयल है। तो इस तरीके से डिस्टिलेशन मेथड से हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो 3 मेथड्स होते हैं डिस्टिलेशन मेथड के जिससे हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वाटर और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड, दूसरा मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड एंड थर्ड है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेथड के बारे में बात करेंगे जो कि है वाटर डिस्टिलेशन मेथड या इसको हम हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये जो वाटर और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली जिस प्लांट मटेरियल या जिस प्लांट मटेरियल की स्पेसिफिक पार्ट से हमको वोलेटाइल ऑयल को अलग करना है उसको हम वाटर के साथ क्या किया जाता है, वाटर के साथ उसको बॉयल करते हैं और फिर उसके बाद वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट किया जाता है। तो हम ये वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड उस प्लांट मटेरियल के लिए यूज करते हैं जो कि जनरली क्या होते हैं, जो ड्राई फॉर्म में होते हैं, मतलब उन प्लांट मटेरियल को ड्राई कर लिया जाता है और उन ड्राई प्लांट मटेरियल से जब वोलेटाइल ऑयल को जब अलग करना होता है तो हम वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। तो ये जो मेथड है मीन्स वाटर और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड जनरली उन ड्रग्स के लिए किया जाता है, उन ड्रग्स जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उन वोलेटाइल ऑयल के लिए किया जाता है जिसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अगर हम डायरेक्ट जो है अगर हीट अप्लाई करते हैं तो वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल को हम आइसोलेट करने के लिए वाटर और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वोलेटाइल ऑयल, मींस वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो कि बॉइलिंग या डायरेक्ट हीट अप्लाई करने पे डिग्रेड नहीं होते हैं, तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए हम वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो क्या किया जाता है इसमें डायरेक्टली प्लांट मटेरियल को लेते हैं और उसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं एक क्लोज्ड वेजल में, क्लोज्ड वेजल जो टाइटली क्या होता है, क्लोज होता है और उस वेजल में जब हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के साथ क्या होगा, वाटर का भी वेपर कन्वर्ट होता है और साथ ही उस प्लांट मटेरियल के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है उसका भी वोलेटाइल ऑयल वेपर में कन्वर्ट होता है और उन वेपर को क्या किया जाता है, उन वेपर को कंडेंस किया जाता है अलग जगह, कंडेंस करने के बाद उन कंडेंस्ड वेपर जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, उन लिक्विड से वाटर और जो ऑयल है उसको वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट कर लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम की मदद से हमने किस तरीके से हाइड्रो डिस्टिलेशन या वाटर डिस्टिलेशन किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल तो हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये क्लोज्ड वेसल है, ये डिस्टिलेशन यूनिट है, ये डिस्टिलेशन यूनिट में ये क्लोज्ड वेसल है जिसमें क्या है, जिसमें हमने यहाँ पे ये जो ग्रीन है ये ग्रीन कलर से क्या है, ये प्लांट मटेरियल है और यहाँ पे इसको प्लांट मटेरियल में हमने क्या डाल दिया है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया हुआ है। अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ से हम हीट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट हीट अप्लाई करने पे ये जो है ये बॉयल वाटर जो है वो क्या होगा, बॉयल होगा, वाटर जब बॉयल होगा और तो क्या होगा, इस प्लांट मटेरियल के अंदर जो स्पेसिफिक सेल है उस स्पेसिफिक सेल जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है वो भी क्या होगा, वो भी हीट अप्लाई करने पे क्या होगा, वो भी मीन्स वोलेटाइल ऑयल जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, साथ ही ये जो है ये वाटर भी क्या होगा, बॉयल होने पे वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से इस वेसल के पर जो है वाटर और वोलेटाइल ऑयल का वेपर दोनों जो है यहाँ पे इस तरीके से वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वेपर है ये वाटर का भी वेपर है साथ ही ये वोलेटाइल ऑयल का भी वेपर है। अब ये वेपर क्या होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल है तो यहाँ पे ये हम जो ओपनिंग है यहाँ पे जो पाइप है इसके थ्रू ये जो वेपर क्या होगा ये मूव होगा, तो इस वाटर वेपर के साथ जो है वोलेटाइल ऑयल का जो वेपर है वो भी मूव करेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये जो वेपर है वो स्टीम मतलब भाप मतलब जो वाटर का वेपर है वो साथ वोलेटाइल ऑयल का वेपर, ये दोनों कहाँ मूव करेंगे? कंडेंसर में मूव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर में यहाँ से कोल्ड वाटर जा रहा है और यहाँ से हॉट वाटर, यहाँ पे सर्कुलेट होने के बाद ये हॉट वाटर यहाँ से आउट होता है। तो क्योंकि ये कंडेंसर है तो ये बाहर का टेम्परेचर क्या है? बहुत ही कम है। तो बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से इस पाइप के अंदर, इस कंडेंसर के अंदर जो ये कॉइलिंग हुई है, इस पाइप के अंदर जो स्टीम और वोलेटाइल ऑयल का वेपर है, इसके बाहर में कोल्ड वाटर सर्कुलेट होने की वजह से ये जो स्टीम है और वोलेटाइल ऑयल का वेपर है वो कंडेंस हो जाता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, ये कंडेंसर है तो कंडेंसर में ये स्टीम और वोलेटाइल ऑयल का वेपर जो है कंडेंस होने के बाद, इसके अंदर जो है कंडेंस होने के बाद ये किधर मूव करता है? ये जो है ये मूव करता है टुवर्ड्स द सेपरेटर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंडेंस्ड क्या है? वाटर एंड वोलेटाइल ऑयल, यहाँ पे दोनों लिक्विड प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है जो यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस हुए थे। और उसके बाद ये कहाँ जाता है? सेपरेटर में। तो क्योंकि ये वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? ये वोलेटाइल ऑयल जो है लाइटर होते हैं, इसकी डेंसिटी लो होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये वोलेटाइल ऑयल क्या करते हैं? इस वाटर के ऊपर क्या होंगे? सेपरेटर में जाने के बाद इस वाटर के ऊपर वोलेटाइल ऑयल फ्लोट करेंगे। जनरली जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, मैक्सिमम सभी वोलेटाइल ऑयल जो है लाइटर होते हैं वाटर से, इसी कारण से वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन कुछ वोलेटाइल ऑयल जैसे कि क्लोव ऑयल, तो ये क्लोव ऑयल क्या होते हैं? डेंसर होते हैं वाटर से, इसी कारण से अगर क्लोव ऑयल का अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये बॉटम में मीन्स जो है सेपरेटर के नीचे जो है कलेक्ट होता है। लेकिन मैक्सिमम वोलेटाइल ऑयल जो है क्या होते हैं? हल्के होते हैं वाटर से, इसी कारण से ये क्या होते हैं? ये ऊपर जो है वाटर के लेवल के, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। इसकी उस वोलेटाइल ऑयल की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर में हमने मार्किंग की है वो वोलेटाइल ऑयल है जो कि अपर क्या है वाटर के लेयर में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो उसको हम अलग जो है इस सेपरेटर में अलग वोलेटाइल ऑयल को कलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो नीचे के वाटर है जो कि क्या है? हाइड्रोसोल है, इसमें भी जो एरोमा होता है उस वाटर वोलेटाइल ऑयल का, इसको भी अलग कर लिया जाता है और उसको भी यूज किया जाता है और कॉस्मेटिक्स में अंदर पर्पस के लिए उसको इस हाइड्रोसोल को यूज करते हैं। और इस वोलेटाइल ऑयल को फिर अलग करने के बाद उसको क्लोज कंटेनर में उसको पैक करके रख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम वाटर या कह सकते हैं हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से हम प्लांट मटेरियल से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। तो एग्जांपल जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल, तो टर्पेंटाइन ऑयल को हम जनरली हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से इसको अलग करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है? ये टर्पेंटाइन ऑयल जो पाइनस का जो प्लांट होता है, डिफरेंट पाइनस जो स्पीसीज होते हैं, उस पाइनस स्पीसीज जिससे जो ऑलिव रेजिन हमको ऑब्टेन होता है, उस ऑलिव रेजिन से ऑयल को सेपरेट किया जाता है बाय दिस डिस्टिलेशन मेथड। और वही ऑयल क्या कहलाता है? टर्पेंटाइन ऑयल कहलाता है जो कि क्या है? वोलेटाइल ऑयल है। और ये हो गया वाटर और हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन मतलब क्या है? यहाँ पे हम स्टीम के थ्रू क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं वोलेटाइल ऑयल का जो कि प्लांट मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी कारण से इसको हम क्या करते हैं? इसको हम डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। तो स्टीम यूज किया जाता है इसमें वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ये जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड जो है उन ड्रग्स के लिए किया जाता है जो कि जिसमें अगर हम जिस प्लांट मटेरियल में अगर हम डायरेक्ट जो है अगर हीट अप्लाई करते हैं, जैसे कि वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड में करते हैं, तो वो वोलेटाइल ऑयल डायरेक्ट हीट अप्लाई करने पे क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल को हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से जो वोलेटाइल ऑयल के अंदर जो बहुत से एस्टर्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, या जो एल्डिहाइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं?
जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। और ये जो वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोलेटाइल मींस कंप्लीट जो है आइसोलेशन नहीं हो पाता है, इसी कारण से स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को प्रिफर किया जाता है। और इस स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को जनरली यूज किया जाता है बहुत से प्लांट्स के वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए, लार्ज स्केल वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट करने के लिए ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड को प्रिफर किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें हम स्टीम डायरेक्टली पास किया जाता है थ्रू द प्लांट मटेरियल। और स्टीम डिस्टिलेशन मेथड जनरली हम जो फ्रेश प्लांट मटेरियल है, फ्रेश प्लांट मटेरियल से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल पिपरमेंट ऑयल, तो पिपरमेंट ऑयल हम कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, पिपरमेंट ऑयल हम स्पेयरमेंट से ऑप्टेन करते हैं। मेंथा ऑयल हो गया, मेंथा पिपरेटा से ऑप्टेन करते हैं, मीन्स पुदीने का जो तेल होता है, मीन्स पुदीने की जो पत्ती होती है उससे हम जो है मेंथा ऑयल, पिपरमेंट ऑयल को आइसोलेट किया जाता है। तो फ्रेश लीव्स यूज किए जाते हैं। साथ ही यूकेलिप्टस ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल मीन्स नीलगिरी के तेल, इस नीलगिरी के तेल को हम नीलगिरी के पत्ती से हमको ऑप्टेन करते हैं। तो फ्रेश नीलगिरी के लीव्स यूज किए जाते हैं नीलगिरी के तेल को आइसोलेट करने के लिए। और ये जो डिफरेंट जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, इन वोलेटाइल ऑयल को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ वोलेटाइल ऑयल को एज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ वोलेटाइल ऑयल की काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है, कुछ की लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है। और मैक्सिमम जो वोलेटाइल ऑयल को हम यूज करते हैं एज अ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। कुछ वोलेटाइल ऑयल को इंटरनली उसको यूज किया जाता है एज अ कार्मिनेटिव स्टिमुलेंट, उसको यूज करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल्स की डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। तो पिपरमेंट ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल और अदर जो फ्रेश प्लांट पार्ट है जिससे वोलेटाइल ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम किससे आइसोलेट करते हैं, बाय द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से उसको आइसोलेट किया जाता है। हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है किस तरीके से स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉयलर है। इस बॉयलर में क्या है, यहाँ पे इस बॉयलर में वाटर को ऐड कर दिया जाता है सफिशियंट अमाउंट में। वाटर को सफिशियंट अमाउंट में ऐड करने के बाद हम यहाँ से हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये वाटर जो है बॉयल होता है। और बॉयल होने के बाद क्या होता है, बॉयल होता है तो यहाँ पे स्टीम मतलब कि भाप बनेगा। और स्टीम जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है स्टीम। और ये स्टीम जो है इस पाइप के थ्रू कहाँ पे जाता है, इस पाइप के थ्रू जो है यहाँ पे ये जो वेसल है, ये जो डिस्टिलेशन यूनिट है, इसमें ये स्टीम पास किया जाता है। तो इस डिस्टिलेशन यूनिट में ये जो स्टीम है इसमें क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पे ये परफोरेटेड जो है ट्रे होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर फ्रेश प्लांट मटेरियल को रख दिया जाता है। फ्रेश प्लांट मटेरियल जिसमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो इस प्लांट मटेरियल को इस परफोरेटेड ट्रे या परफोरेटेड बॉटम में रख दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, इसमें ये जो स्टीम है ये स्टीम यहाँ से पास किया जाता है, बॉटम से इस स्टीम को पास करते हैं। तो ये जो स्टीम है, ये स्टीम इस परफोरेटेड बॉटम से मतलब इसमें जो स्मॉल जो पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू कहाँ जाएगा ये स्टीम, ये स्टीम इस प्लांट मटेरियल में जाता है। और इस प्लांट मटेरियल्स के सेल्स के अंदर क्या करता है, ये स्टीम जो है पेनिट्रेट करता है। और जिस सेल के अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, वो वोलेटाइल ऑयल ये स्टीम पास करने के बाद क्या होता है, ये स्टीम उस वोलेटाइल ऑयल को क्या करेगा, उस वोलेटाइल ऑयल को क्या करता है, रिलीज करता है उस प्लांट के सेल से और अपने साथ क्या करता है, उसको जो है वेपोराइज फॉर्म, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये स्टीम जो है इस प्लांट मटेरियल में जब पास होता है थ्रू दिस परफोरेटेड बॉटम, तो यहाँ पे स्टीम यहाँ पे पास होता है और इसके इस प्लांट मटेरियल के सेल्स के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो स्टीम के हीट की वजह से क्या होते हैं, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये वेपर यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो आप वेपर देख रहे हैं ये स्टीम है, मीन्स वाटर का भी वेपर है और साथ ही वोलेटाइल ऑयल का भी वेपर है। अब सेम ये क्या होता है, यहाँ से पाइप के थ्रू ये होगा, यहाँ से पास होता है ये जो वेपर है, मिस स्टीम मिस वाटर का वेपर प्लस वोलेटाइल ऑयल का वेपर। वाटर कहाँ से आया, यहाँ पे जो हमने यहाँ प्लांट के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो स्टीम हम पास किए हैं, ये जो है यहाँ पे ये वाटर स्टीम जो है पा होता है मिस वाटर वेपर के साथ साथ ये अपने साथ वोलेटाइल ऑयल को भी क्या करता है, यहाँ पे
मूव करवाता है, और उसके साथ ये क्या होता है यहाँ पे, ये वोलेटाइल ऑयल का वेपर प्लस स्टीम जो है ये कंडेंसर में पास होता है, क्योंकि ये कंडेंसर से यहाँ से कोल्ड वाटर का सप्लाई होता है और यहाँ से जो सर्कुलेट होने के बाद ये कोल्ड वाटर जो हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से हॉट वाटर का आउटलेट होता है। तो यहाँ पे ये कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है, तो अंदर में मीन्स इस पाइप कंडेंसर का जो ये कॉइल के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल और वाटर का जो वेपर है वो दोनों क्या होंगे, बाहर का टेम्परेचर जो है ठंडा होने की वजह से, क्योंकि इसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है इसी कारण से बाहर का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से इस पाइप के अंदर, इस कॉइल के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल का वेपर है और जो वाटर का वेपर है वो क्या हो जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पे आता है, इस पाइप के थ्रू होते हुए ये सेपरेटर में पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, यहाँ पे वाटर प्लस वोलेटाइल ऑयल। तो ये वाटर और वोलेटाइल ऑयल तो जैसा कि हमने आपको बताया था सेपरेटर में पहुंचने के बाद, सेपरेटर में जो वोलेटाइल ऑयल को वाटर से सेपरेट करता है तो उस जगह पर पहुंचता है, और जो मैक्सिमम जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं वाटर से, मीन्स इसकी लो डेंसिटी होती है, इसी कारण से ये वोलेटाइल ऑयल का जो लेयर है ये वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ऑयल और वाटर क्या होते हैं, दोनों इमिसिबल होते हैं, और क्योंकि ये वोलेटाइल ऑयल हल्का होता है वाटर से, इसी कारण से यहाँ पे अपर में क्या करेगा, रेड में हमने मार्किंग की है, ये फ्लोट करेगा। और ये वोलेटाइल ऑयल को फिर अलग से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है कंटेनर में, और उसको फिर क्लोज कर दिया जाता है टाइटली, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट किया जाता है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल बाय द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, इन विच वी डायरेक्टली सप्लाई द स्टीम टू द प्लांट मटेरियल एंड द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल गेट converted into the vapor, and this volatile oil vapor along with the steam goes to the condenser, and in the condenser this steam and volatile oil vapor condense and then pass through the separator, and in this separator the volatile oil is separated from the water, and this is how we separate the volatile oil by the steam distillation method. So ye ho gaya volatile oil ka extraction by the water, aur keh sakte hain hydro distillation method, aur dusra steam distillation method. Iske baad hum next part mein hum aapko batayenge water and steam distillation method ke bare mein aur other method of extraction of volatile oil. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक, एसएल देओरी एंड खाता बाड़ी की बुक से। थैंक यू।